आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक विश्वसनीय चैनल है और इसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान के नुस्खे पूरे संसार के लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं। वो हमसे ईमेल के जरिए अपने प्रश्न भी पूछ रहे हैं और हमारे वैद्य उनकी समस्याओं का समाधान भी उनको बता रहे हैं। दोस्तों, माइग्रेन आजकल आम सी बीमारी बन गई है। ये दर्द कभी भी और कहीं भी हो सकता है। यूं तो माइग्रेन होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये एक आनुवंशिक बीमारी है। मतलब अगर आपके घर में कोई माइग्रेन का पेशेंट रह चुका है तो हो सकता है कि उसकी ये प्रॉब्लम ट्रांसफर हो जाए। माइग्रेन में सिर के एक ओर तेज दर्द उठता है। इस दर्द को बर्दाश्त कर पाना वाकई मुश्किल काम होता है। उल्टी आना, चक्कर आना और थकान महसूस होना माइग्रेन के प्रमुख लक्षण हैं। माइग्रेन का दर्द सिर के एक हिस्से में होता है, इसलिए इसे आम बोलचाल की भाषा में अधक पारी या आधा सीसी का दर्द भी कह सकते हैं। अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ फूड्स बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। लेकिन आप ये भी जान लें कि सिर्फ खान पान से ही माइग्रेन नहीं होता, इसके कई और भी कारण होते हैं। खराब लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और हार्मोन्स में गड़बड़ी से भी ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो आज आयुर्वेद समाधान के इस सेगमेंट में हम ऐसे फूड्स के बारे में जान लेते हैं जिनसे माइग्रेन में दूर रहने की सलाह और नसीहत दी जाती है। नंबर एक, चीज लवर्स के लिए ये एक बुरी खबर हो सकती है। दरअसल रखे हुए चीज में सैचुरेटेड टायरामाइन होता है, इससे माइग्रेन का अटैक आ सकता है। नंबर दो, मीट, हॉट डॉग जैसे फूड्स में सोडियम नाइट्रेट होता है। सोडियम नाइट्रेट माइग्रेन का दर्द पैदा कर सकता है। नंबर तीन, कैफीन का सेवन ज्यादा मात्रा में करने से भी माइग्रेन हो सकता है। नंबर चार, चॉकलेट और रेड वाइन में फिनाइलेथाइमाइन पाया जाता है, जो आप में माइग्रेन का दर्द भी पैदा कर सकता है। नंबर पांच, प्रोसेस्ड फूड में MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया जाता है, इससे भी आप माइग्रेन के रोगी बन सकते हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद समाधान देखने के बाद आप आज से ही शपथ लें कि माइग्रेन बढ़ाने वाली जो वस्तुएं हैं उनको आज से ही त्याग देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सिर दर्द जरूर कम हो जाएगा। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे एक्सपर्ट की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने और आयुर्वेद और प्रकृति में छिपे गहरे राज जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें आयुर्वेद समाधान।